जेसीआई कोटा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोटा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। जेसीआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसीआई इंडिया की राखी जैन को राजस्थानी परंपरा के अनुसार चुनरी उढ़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। गणेश वंदना में जेसीआई परिवार की छोटी बच्चियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर आप जेसीआई कोटा संभाग की सभी शाखाओं के अध्यक्ष यहां मौजूद रहे और सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपने अपने संस्थाओं के कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद समय सीमा तय की गई और उसी के दौरान ब्यौरा प्रस्तुत करना था। जेसीआई सुरभि के कार्यों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी जैन ने बताया कि कोटा की सभी शाखाएं अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्कूलों को गोद लेकर उनका विकास करना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी पढ़ाई का खर्चा वहन करने के साथ साथ रक्तदान के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी से निभान करना, तमाम मुद्दों पर जेसीआई की टीम निरंतर अच्छे काम कर रही है और इसी के साथ जेसीआई में सदस्यों की संख्या बढ़ना ही लक्ष्य है। इस साल 4 माह के अंदर 55,000 सदस्यों को जोड़ना जेसीआई का लक्ष्य है और इसे जरूर पूरा किया जाएगा।